नमस्कार, मैं रिया आहूजा, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ 14 अगस्त को रोहिणी स्थित महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के साथ होने जा रहा है। इस अवसर पर देश के 14वें राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह एवं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर महेश वर्मा समारोह में विशिष्ट अतिथि हैं। सोसाइटी के संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, चेयरमैन विनीत कुमार लोहिया, कार्यकारी चेयरमैन एसपी अग्रवाल, वरिष्ठ वाइस चेयरमैन सुंदरलाल गोयल, महामंत्री टीआर गर्ग एवं कोषाध्यक्ष आनंद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सोसाइटी के पदाधिकारी एवं ट्रस्टीगण इस समारोह में सम्मिलित होंगे। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के प्रधान एवं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के महामंत्री नरेश कुमार एरन के भाजपा दिल्ली प्रदेश के मंत्री बनने पर अग्रोहा नरेश हेल्थ केयर सोसाइटी के सानिध्य में मानव सेवा केमिस्ट ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। रोहिणी सेक्टर 8 स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित इस समारोह में पूर्व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक विजेंद्र गुप्ता, निगम पार्षद प्रवेश वाही, मानव सेवा केमिस्ट के प्रधान राधेश्याम गर्ग, महामंत्री संजय सिंगला, कोषाध्यक्ष ललित बंसल, श्री बद्री कृपा सेवा संस्थान के महामंत्री मयंक गुप्ता, संगठन मंत्री महेंद्र लूथरा एवं संस्था के अन्य सदस्यों ने नरेश कुमार एरन का अभिनंदन किया। गोऋषि स्वामी दक्षिणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली में चल रहे वेद लक्षणा गो चेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित श्री शिव महापुराण कथा को सुनकर श्रद्धालु भक्त भाव विभोर हो गए। गोवत्स विठल कृष्ण जी के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित हुए। आज रविवार 13 अगस्त को चर्चित भजन गायिका निकुंज कामरा की भजन संध्या आयोजित की जाएगी एवं 14 अगस्त को गो राष्ट्र कवि सम्मेलन इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें विश्व विख्यात कवियों द्वारा कविता पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक आलोक सिंगल, दिल्ली शाखा के मुख्य संरक्षक सुभाष अग्रवाल, चेयरमैन राकेश बिंदल एवं अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गर्ग ने सभी भक्तों को इस महोत्सव में शामिल होकर गो माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का अनुरोध किया है। श्री हरि कथा समिति पीतमपुरा के सौजन्य से 3 से 9 अगस्त तक SPTP ब्लॉक मौर्य एनक्लेव स्थित श्री राम मंदिर में प्रतिदिन साय 3 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण कथा का पुण्यदायी आयोजन किया गया। इस कथा का वचन श्री मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के परम कृपा पात्र पूज्य श्री दीन बंधु दास जी महाराज के मुखारविंद द्वारा किया गया। श्री शिव महापुराण कथा के इस आयोजन में सुरेश मित्तल, ममता शर्मा, अतुल गोयल, सुनील बंसल व सुभाष गुप्ता आदि का प्रमुख योगदान रहा। महिला मंडल पंजाबी बाग द्वारा 19 अगस्त को होटल सेवन सीज में 24वें भव्य तीज समारोह का आयोजन किया जाएगा। संस्था की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर मीना गुप्ता ने बताया कि 500 से अधिक महिला साथियों की यह संस्था बड़े पैमाने पर अपना तीज महोत्सव आयोजित करने जा रही है, जिसमें मोती नगर के विधायक शिवचरण गोयल, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के प्रधान सुभाष गुप्ता, टाइम्स लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के कमल कुमार गुप्ता, भाजपा दिल्ली प्रदेश मंत्री नरेश एरन, ऊर्जा ग्रुप के GN गुप्ता एवं सौरभ बेवरेजेस के सौरभ गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम के दौरान पंडित हरिवंश द्वारा सावन भादो के लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। अपने संपादकीय लेख में श्री राजेश गुप्ता ने संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद नौकरशाही हावी होने की आकांक्षाओं के प्रति आगाह किया है। श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार ने जिस प्रकार विधेयक के माध्यम से उपराज्यपाल को ही दिल्ली का सर्वे सर्वा बना दिया है, उससे दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए नौकरशाहों की मर्जी पर निर्भर होना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर स्थिति ऐसी हो गई है कि राजधानी दिल्ली में अब नौकरशाही के हावी होने के पूरे आसार हैं। श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि फिलहाल नौकरशाही हावी होगी या नहीं यह तो भविष्य ही तय करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह स्थिति दिल्ली के हित में सही नहीं होगी। राजधानी की चर्चित सांस्कृतिक संस्था हरियाणा मैत्री संघ द्वारा हरियाली तीज सावन महोत्सव 17 एवं 18 अगस्त को मनाया जाएगा। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मनोरंजक खेलों का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन का कार्यक्रम सायंकाल 4 बजे से हरियाणा मैत्री भवन में आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन का कार्यक्रम पास ही स्थित बत्रा टेंट पीतमपुरा में सायंकाल 5 बजे से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर पूर्व निगम पार्षद सविता गुप्ता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर नंद किशोर गर्ग का सानिध्य समारोह को प्राप्त होगा। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता माजरिया द्वारा समारोह की अध्यक्षता की जाएगी। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता द्वारा कंप्यूटर का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री सुभाष चंद गुप्ता ने भी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया। संगठन द्वारा निशुल्क डिस्पेंसरी के साथ ही ब्यूटी पार्लर और योगा टीचर के कोर्स भी सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। कैंसर केयर ग्रुप भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के इंद्रप्रस्थ हॉल में कैंसर केयर गोष्ठी, सम्मान समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बत्रा द्वारा आयोजित कैंसर आधारित क्विज प्रतियोगिता एवं डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में राजीव गांधी हॉस्पिटल की हेमाटोलॉजी टीम द्वारा प्रस्तुत नृत्य आकर्षण के केंद्र रहे। इस दौरान आयोजित कवि सम्मेलन में जाने माने कवि राजेश चेतन, अनिल अग्रवंशी, राजेंद्र कलकल एवं श्रीमती बलजीत कौर ने अपनी कविताओं से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। आयोजन में महेंद्र तायल, रविंद्र कनोडिया, नीलमणि चांदगोठिया, विपिन भगेरिया, मीनाक्षी गर्ग तथा एनआर जैन का उल्लेखनीय योगदान रहा। अपने संपादकीय लेख में श्री अक्षय गुप्ता ने कहा कि मणिपुर पर केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव उम्मीद के अनुरूप गिर गया। प्रधानमंत्री के सांसद में आखिर मणिपुर पर भाषण देने की विपक्ष की जिद तो पूरी हो गई, लेकिन यह प्रस्ताव अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। श्री अक्षय गुप्ता ने सवाल उठाया कि आखिर इससे मणिपुर को क्या मिला? क्या मणिपुर के दंगे रुक गए? मणिपुर के घाव पर मरहम लग गया? राज्य के हालात सुधरने के लिए क्या कोई योजना बनी या सब राजनीतिक खेल ही हुआ? इन सवालों पर गंभीर मंथन करने की जरूरत है। श्री सनातन धर्म प्रचारिणी सभा द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर नारायण विहार में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन किया गया। कथा व्यास श्री देवांशु गोस्वामी जी द्वारा सुनाई गई कथा का बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने आनंद प्राप्त किया। अधिक मास के पावन अवसर पर आयोजित की गई इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में अशोक बत्रा, विनय सिन्हा, महेश रावल, मंजू जोहार एवं सोना जीव की प्रमुख भूमिका रही। कथा के समापन पर हवन का आयोजन किया गया एवं कथा के पश्चात प्रतिदिन श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। सेक्टर 8 रोहिणी स्थित ऑर्लिस द स्कूल अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से समग्र शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय के पुस्तकालय, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिकी प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, कला कक्ष, खेल का मैदान एवं प्राथमिक चिकित्सा और परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। छात्रों को अलग अलग क्षेत्रों में खुद को उत्कृष्ट बनाने के लिए खेल और शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल की तलाश कर रहे हो तो ऑर्लिस द स्कूल आकर आपकी तलाश पूरी हो सकती है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।